लिंक शेयर किया किसने? चलो ये लाइट्स बंद है अभी। स्टार्ट होना स्टार्टेड। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। लिंक शेयर किया? टेलीग्राम पे आ गया ना? ठीक है। ये क्या है? लेक्चर नंबर 2 क्या शेयर हुआ है? तो लेक्चर नंबर ध्यान से डालना, क्या डाल रहा तू? ये ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। Okay. Let's start, guys. Let's do it. Come on, fast. Hurry up. So, moving on again. Chapter number 2, leverage, जिसका नाम है। अभी तक 2 lectures हमने दोस्तों देख लिए हैं। वापस से टेलीग्राम पे लिंक चेंज करके डालो, शायद से वहां पे 2 दिख रहा है। ओके अभी तक हमने थंबनेल भी क्रॉस वेरीफाई कर, बराबर है क्या? सभी के चेक कर ले। ओके आवाज आ रही मेरी? ओके फाइन। So guys, welcome back. So here is the chapter number 2. Once again, let's revise the leverage. आप सभी जानते हैं leverage chapter को revise करने के लिए हमारे पास कोई chart मौजूद है। ये chart आपके सभी के सामने, आप बताएंगे doll क्या था? देखो दुनिया में 3 type के leverage होता है। एक doll होता है, एक DFL होता है, एक DCL होता है। आज हमने doll और DFL को revise भी करना है और DCL भी समझना है। और आज इनके ऊपर के कुछ questions भी solve होंगे। लगभग 6 questions आज हम लोग solve कर चुके होंगे क्लास होने के पहले। सर अभी कॉन्सेप्चुअली क्या बाकी? कॉन्सेप्चुअली सब कुछ आई थिंक मैंने 2 दिन में कवर करवाया है। अब मेन फोकस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के होगा, पर उसके पहले हम लोग सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। डॉल इज देयर टू टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी डॉल का इस्तेमाल करते हैं टू टेक द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। नो गलत बोल रहा हूं। डॉल इज यूज फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, और DFL का इस्तेमाल करते हैं हम लोग to take the advantages of fix the financial cost. Is that okay guys? आप लोग को सभी को मुझे बताना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कॉस्ट होगी, यानी वहां का लेवरेज 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? ऑब्वियसली वहां का लेवरेज 1 से ज्यादा होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कॉस्ट 0 होगी, वहां का लेवरेज हमेशा 1 होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं सेल चाहे जितना बढ़ जाए, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये हमेशा कोशिश करती है जिनके फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करें। जैसे टेलीकॉम की बात कर दो, एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करेंगे, FMCG की बात करेंगे, हर तरीके से लोग एक काम कोशिश हमेशा करते हैं कि वो सेल ज्यादा करें। बिकॉज देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड द फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए दोस्तों सेल जितना बढ़ाओगे फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। इसलिए हम हमेशा ये चैप्टर हमेशा प्रेरित करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, इसका मतलब आपका EBIT उससे ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम लोग डॉल की बात करते हैं, चलो बच्चों डॉल का फॉर्मूला क्या है? डॉल का फॉर्मूला एक काम करते हैं, डॉल के फॉर्मूले से पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट को समझ के लेते हैं। ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स होता है, सेल्स में से यू डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट, देन यू गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, देन यू डिडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट, यू गेट व्हाट? यू गेट EBIT। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट को, फिर आपको मिलता है EBT, और फिर आप बाद में माइनस करते हो टैक्स, आपको मिलता है EAT। अगर प्रेफरेंशियस होगा तो वो माइनस होगा, उसके बाद जो बचेगा इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। आई होप इट इज डन। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अरे भाई आपको समझ आ रहा है यार? कम ऑन एवरीबॉडी, फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इनकम स्टेटमेंट को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करना दोस्तों। एक बार फिर से बोलेंगे, हाँ कम ऑन गाइस। हाँ, सेल्स को माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से सबसे पहले, उसके बाद में आपका बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, आपको मिलेगा EBIT, यानी कि आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, अब अर्निंग आ गई आपकी। पर अर्निंग में अभी से अभी इंटरेस्ट और टैक्स दोनों भी डिडक्ट नहीं किए, नाम लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले टैक्स माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद ही तो टैक्स निकाला जाता है। तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट आप बचेगा EBIT, माइनस करेंगे टैक्स आप बचेगा EAT। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफरेंस है तो उनको भी दे देंगे, बिकॉज प्रेफरेंस की इज्जत इक्विटी से ज्यादा होती है,
यानी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, जो बचेगा उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो वो बचेगा अर्निंग पर शेयर। ये इतना फॉर्मेट तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये फॉर्मेट ही नहीं आएगा तो इस चैप्टर में लगने वाले सारे फॉर्मूले आप यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर इस चैप्टर की फॉर्मूला की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसको देख के मुझे बताओ, सिंपल सिंपल फॉर्मूला था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं। आपने देखा था यहां पर, मैंने आपको कहा था, कुछ कहा था मैंने आपसे, बोलो क्या कहा था? कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से। देखो यहां पे लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करना, देखो सेकंड वाले को डिवाइड करो थर्ड वाले से। देखो यहां लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, इसका मतलब होता है डीओएल। ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे ईबीटी, इसका मतलब होता है डीएफएल। बिकॉज हम लोग जब डॉल की बात करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज इज नथिंग बट द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। इसलिए दोस्तों फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कि फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट के पहले हमारा क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट के बाद क्या हुआ, वो बन गया हमारा ईबीआईटी। इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते ईबीआईटी से वही हमारा बन जाता है। अब क्या होता है ना बच्चों, डीएफएल जो है, डीएफएल निर्माण कब होता है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इसलिए हम लोग देखते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के पहले क्या था, क्या था पहले, ईबीआईटी था। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद में क्या है, ईबीटी है। यानी कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज नथिंग बट द डिफरेंस आइडेंटिफाइड ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, 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 everybody got it, come on, fine, okay, fine guys, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, फिर से एक बार मुझे जवाब देना फॉर्मूला के फॉर्म में, सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट बताना। अब फॉर्मूला डिराइव हमने किया हुआ है, आप ये मत बोलना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, रट्टा नहीं मारा, यू हैव अंडरस्टूड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये डॉल का ही फॉर्मूला होना चाहिए, बिकॉज इट इज द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज क्रिएटेड ओनली ड्यू टू द ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट। इज द कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, वैसे अगर देखना तो बहुत सिंपल है, देखो ऊपर क्या है, क्या ऊपर है, ये कंट्रीब्यूशन ऊपर, इसको डिवाइड कर दो ईबीआईटी, ये क्या बन जाएगा आपका डॉल। अब कर दो ईबीआईटी, इसको डिवाइड करो इसके साथ में, हो गया, ये क्या बनेगा आपका डीएफएल। सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ऊपर से नीचे जाना है, उससे उसको डिवाइड करो वो मिलता है डॉल, और फिर ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड करो बन जाता आपका डीएफएल। आपको मालूम है कितना अच्छी बात है, डीसीएल बोलोगे क्या होता है, डीसीएल, डीसीएल का लॉन्ग फॉर्म जानते हो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, यानी कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों का मिला के लेवरेज निकालना, तो क्या करते हो क्या, डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल इज इक्वल टू डीसीएल। यानी कि डीसीएल जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको एक मिनट में समझ आएगा, बिकॉज डीसीएल के लिए कुछ अलग करना ही नहीं पड़ता, डॉल को मल्टीप्लाई करना है डीएफएल से, आपका डीसीएल निकल जाता है। दैट्स इट्स दैट इजी, इट इज दैट इजी, ओके गाइस, इट इज दैट इजी, ओके, ओके गाइस, वेलकम बैक, कम ऑन, वेलकम बैक गाइस, आर यू देयर, कम ऑन। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग डीसीएल की बात कर रहे हैं। तो डीसीएल में क्या होता है, डॉल को मल्टीप्लाई करेंगे डीएफएल से तो बनेगा डीसीएल। अब इसको विस्तार में हम लोग और पढ़ेंगे, एक बार चलो कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मूले की तरफ जाते, कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मूला आपको मालूम है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, बोलो बच्चों क्या होता है, अभी हम लोग डॉल का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन इन सेल्स, इतना प्रमाण में सेल हुआ, कितने टाइम सेल चेंज हुआ, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इज दैट ओके गाइस, वंस अगेन, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और उसके बाद, अरे बोलो भाई उसके बाद, डीएफएल का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इतना ईबीआईटी चेंज हुआ बदले में कितना ईपीएस चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, इज दैट ओके गाइस, इज दैट ओके गाइस, ओके। जिस ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का डीएफएल और डॉल हमेशा एक ही आएगा। अगर आपके इसमें फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, फिक्स्ड आपके इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट भी नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आपकी बात सही रहे, आपका लेवरेज वन आएगा। आपसे एक सवाल है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यानी कि लेवरेज ज्यादा, और लेवरेज ज्यादा तो रिस्क,
रिस्क ज्यादा है कम, रिस्क ज्यादा है, बिकॉज धंधा चलो ना चलो उनको उतनी फिक्स कॉस्ट भरना पड़ेगी। इसलिए ऐसे धंधे में ही पैसे आपने निवेश यानी इन्वेस्ट करना चाहिए जिस जगह पे आपको फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट कम है। हमने आपको कल एग्जांपल भी दिया था, अनिल अंबानी लिया था हमने, हमने कल उनकी बात की थी, नीरव मोदी की बात की थी, हमने डीएसके की बात की, हमने पूना के कई बिल्डर्स की बात की। ये सारा जो है ना, ये सब कुछ जो है ना, ये सारे के सारे लोग डीएफएल को कभी समझ नहीं पाए। अभी डीएफएल को समझने वाला एक ही बंदा है जिसका नाम है मुकेश अंबानी। जिस मुकेश अंबानी ने क्या किया, उनका सारा डेट कम करके सारा इक्विटी ले लिया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज अंडरस्टूड कि डेट लेने से हमें प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हम लोग कमाए ना कमाए हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही हैज डाइल्यूटेड हिज इक्विटी, इक्विटी बेचा, पैसे लगा, डेट कम किया। तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, जिसको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज नहीं समझता ना तो बहुत बात लगती, क्योंकि आज मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा कि आपने हमेशा एग्जांपल ऐसे लिए कि आपका 10,000 का सेल है 20,000 होगा तो डीएफएल में क्या इंपैक्ट होगा। आज हम लोग उल्टा भी करेंगे, 10 का सेल 20 हुआ और 10 का सेल 5 हुआ तो क्या होता है, आप मुझे बताओ। आपका सेल चाहे जितना बढ़ जाएगा फिर भी फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी, इसलिए सेल बढ़ाना चाहिए। तो उल्टा बोलो, सेल चाहे कितना भी हुआ ना, जीरो भी हो गया तभी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी, इसलिए आप कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करोगे आपका सेल्स कम होगा, क्योंकि सेल्स अगर आपका जीरो, लॉकडाउन चल रहा है, सेल्स जीरो भी होना तभी भी आपको बैंक के लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए सेल्स कभी भी कम होना एक्सेप्टेबल नहीं होता जब हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है। कल मैंने आपको वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस बोला, आप मुझे बोलेंगे रेंट क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आपका धंधा चले ना चले रेंट तो देना ही है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो ये बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज जितना इनकम बढ़ेगा उतना आपका टैक्स बढ़ेगा। मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ बच्चों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो है व्हाट डू यू कॉल इट, जैसे इसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग बात करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरीज है, काम रहे ना रहे सैलरी तो देना ही पड़ेगी, तो वो फिक्स कॉस्ट है। पर हमारे एम्प्लॉय को हम लोग इंसेंटिव देते हैं, सेल्स जितना ज्यादा होगा उतना इंसेंटिव ज्यादा होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके फाइन गाइस, कुछ एग्जाम्पल मैं आज लेना चाहता हूं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के कुछ एक प्रॉब्लम मैं लेना चाहता हूं आपके सामने, देखते हैं। तीन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सेल की बात करेंगे, पहले सेल 10,000 था, एक सिचुएशन देखेंगे 10 से 20,000 और एक सिचुएशन देखेंगे 10 से 5,000 हुआ, तो देखते क्या इंपैक्ट होता है। अब बात करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट, मान लो इसके लिए 2,000 है तो आप बताएंगे आगे क्या होगा, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 4,000 हो जाएगी और इसके लिए कितनी हो जाएगी आखिर में ये 1,000 हो जाएगी। ओके गाइस, अब क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा, कितना कंट्रीब्यूशन बचेगा, यहां पे 8,000 आएगा, यहां पे आएगा 16,000 और इट विल बिकम 4,000। क्या मैं सही कर रहा हूं, एक बार जरा देख लीजिए, बिल्कुल सही चल रहा है। ओके स्क्रीन पे सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ओके बिल्कुल सही कह रहे, तो पेन चेंज कर देंगे और क्या, मैं पेन चेंज कर दूंगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या, चलो ठीक है लावा लेते हैं आपके लिए। अब हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गए, अभी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाने के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो ये है ना स्क्रीन के लिए, अगर आपने रिजोल्यूशन इंप्रूव कर लिया ना तो हट जाएगा। फिक्स कॉस्ट की बात करें, मान लो सबका फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 2,000 और 2,000 ही होगा, ये हमारा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है। अगर किया था ये 6,000 बचेगा, ये बचेगा 14,000 और ये बचेगा 2,000, ये हमारा बचा है अभी EBIT, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, शो है आगे। अब बात करेंगे हमारा क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट।
अब इंटरेस्ट आप बताना सबका सेम रहेगा या सबका डिफरेंट रहेगा, विल इट रिमेन सेम और डिफरेंट? आपका सेल कम हुआ है तो फिर भी इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, आप सेल का बढ़ा है आपका इंटरेस्ट, आपने जो लोगों से उधारी आई मीन उधारी पे पैसे लिए वो तो इंटरेस्ट उतना ही लगेगा चाहे आपका बिजनेस कितना भी हो जाए, इट विल रिमेन सेम राइट। मान लेते अजम्पशन लेते हैं यहाँ पे, इसका फिक्स कॉस्ट भी हम लोग कितना लेते हैं, मान लो 1000 एंड इट इज 1000 ओके। अब बात करें क्या है ई बी टी आई, यहाँ पे कितना लेंगे 5000, यहाँ पे कितना आएगा 13000 और यहाँ पे कितना आएगा 1000। ओके गाइस कम ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मान लो ऐसा अजम्पशन ले लेते कि टैक्स जीरो है तो फालतू क्यों टेंशन ले, फील करेंगे हम लोग सिंगापुर में। यह आगे आपका ईएटी और यहां का नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं हम लोग 1000 शेयर्स अजम्पशन पे मानते हैं तो आप बताएंगे ईपीएस कितना आएगा, यह आएगा 5, यह आएगा 13, यह आएगा 1। ओके गाइस वेलकम बैक। आपको सब कुछ डेटा रेडी मिल गया, आपका समय शुरू होता है, अब आपको निकालना है इनका डॉले, इनका डीएफएल आपको निकालना है। आपके 6 बॉक्सेस में निकालता हूं, देखते हैं क्या आप कर पाओगे। तीनों का डॉल निकालो, तीनों का डीएफएल, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी निकालो, जल्दी से कमो, जल्दी से कमो। तब तक आपके लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग भी लगाते हैं ताकि हमारा मनोरंजन चलता रहे। ओ नो एक बार पूरा क्वेश्चन बता दो, देख लो पूरा क्वेश्चन, ये है पूरा क्वेश्चन। अब एक गाना तो बजाने दो यार, क्वेश्चन ही खत्म हो जाए तो हम लोग गाना कब बजाएंगे। क्या सुनना पसंद करोगे आप, चलो देखते हैं। फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू अच्छा हो ये गाना ऑडियो चल रहा है। तेरा
ओके गाइस, देखते हैं आपको क्या जवाब मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं डॉल का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, डॉल के लिए हमें कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना होगा ईबीआईटी को, यानी कि 8000 को डिवाइड करेंगे हम लोग। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? व्हाट इज दिस? नो, 8000 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इस अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा इस अमाउंट से। 8000 को 6000 से डिवाइड किया तो बच्चों आंसर देंगे कितना आएगा? तो आंसर आएगा 1.33, यानी कि इसका आंसर आएगा कितना? 1.33। फर्स्ट आंसर सभी का चेक करें। उसके बाद में दूसरा आंसर जो है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन वापस ये 16000 को डिवाइड करेंगे 14000 के साथ में, यानी कि 16000 डिवाइड बाय 14000, आंसर इज 1.14। और तीसरा जो जवाब है दोस्तों, 4000 को डिवाइड करेंगे 2000 से, आंसर आएगा 2। देखो कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, 133। कितने लोगों का सही आ रहा है? हाँ करो, हाँ या ना करो। उसके बाद में डीएफएल की बात करेंगे तो ईबीआईटी को डिवाइड करना है ईबीटी से, 6000 को डिवाइड करेंगे 5000 से, तो आंसर आएगा 1.2। उसके बाद में 14000 को डिवाइड करेंगे 13000 से, तो आंसर आएगा 1.07। और अगर बात करें 2000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आएगा 2। ओके, सभी लोग चेक करो, जितने लोग का सही है वो वहां पे लिखो ऑल करेक्ट, करेक्ट, ऑल करेक्ट, कुछ तो लिखो। ऑल करेक्ट आया आपका? कितने लोग का ऑल करेक्ट? ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, कम ऑन, लिख के बताओ कितने लोग ऑल करेक्ट है। मुझे भी समझना चाहिए आपको कितना आ रहा है। वेरी गुड, ऑल करेक्ट, 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 बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत सही, बहुत सही, कीप इट अप गाइस, कम ऑन, वेरी गुड। जितने लोग का सही है लाइक ठोको, लाइक ठोको लेक्चर को, पहले लेक्चर को लाइक ठोक दो। अरे कभी कभी देखता हूं गुस्सा आता है आप लोग का, लाइक नहीं करते, कैसे लाइक नहीं करोगे आप? लाइक करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपसे लाइक लूंगा, लेक्चर को लाइक मिलना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी ना। सर चेंज वाले फॉर्मूला से अलग, अरे यार स्टडी ब्रो आप तो गंदगी मत कर, कल भी समझाया था, कल का लेक्चर वापस देखो। अभी एक बार दोस्तों मैं आपसे अभी इंटरप्रिटेशन की बात बताओ, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा लेवरेज किधर है? यहां पे। और सबसे कम लेवरेज कहां पे है? यहां पे। कैन यू प्लीज इंटरप्रिट दिस? ये हमारा सबसे पहले वाला जो सेल था, ये क्या था मालूम है? ये क्या था मालूम है आपको? मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, ओके, ये यहां पे मैं लिखता हूं, ये था। ओह हो, कितना गंदा पेन है। ये था हमारा यहां पे नॉर्मल सेल, ये है इंक्रीज्ड सेल, और ये है डिक्रीज्ड सेल। एक क्या है मालूम है? एक है नॉर्मल सेल, एक है इंक्रीज्ड सेल, और एक है डिक्रीज्ड सेल। तीनों के तीन नाम लिख दो। आप मुझे बताओ दोस्तों सबसे ज्यादा लेवरेज किधर है जब हमारा सेल सबसे लोएस्ट होगा, यानी कि जितना सेल कम होगा आपकी रिस्क उतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेवरेज ज्यादा नहीं रिस्क ज्यादा बढ़ रही है। जितना सेल ज्यादा होगा, यहां पे देख सकते हो 1.14, 1.07, सबसे कम किधर है? देखो यहां पे सबसे कम है, यहां पे सबसे कम है, यानी कि जब आपका सेल 20000 है वहां पे आपका ये जो है ना, ये यहां पे आप लोएस्ट हो और यहां पे आप हाईएस्ट हो। क्या हाईएस्ट? लोएस्ट लेवरेज, यहां पे हाईएस्ट लेवरेज, और ये क्या है? ये मॉडरेट है, मॉडरेट। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? जितना सेल कम उतना लेवरेज ज्यादा, और जितना सेल ज्यादा उतना लेवरेज कम। इससे दोस्तों क्या करना चाहिए आपने? अगर आपको रिस्क कम करना तो पूरा सेल करो, सेल करो, सेल करो, और सिर्फ सेल करो, आग लगा दो बस। पेन का कलर चेंज कर देंगे यार, ऐसे क्या नाराज हो रहे मेरे से?
चेंज कर दो बस। क्या कंक्लूजन है हमारे पास? कंक्लूजन हो गया। हाईएस्ट सेल होगा ना तो लोवेस्ट लेवरेज होगा। मैं जो भी जहां भी कड़ी धूप में था। कम ऑन गाइस। और ये कौन सा है? ये लोवेस्ट सेल जब होगा ना तो आपका हाईएस्ट लेवरेज आएगा। ये आपका कंक्लूजन है। इनवर्स रिलेशनशिप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एकदम सही, एकदम सही, सही बोला है, सही बोला है भाई, सही बोला है। हो गया गाइस। कैन आई स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन? कम ऑन गाइस। सो गाइस इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू समथिंग न्यू गाइस। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करें हम लोग। आ जाओ बच्चों, चालू करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन। सर अब क्वेश्चन नंबर लेंगे? हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो गए। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाई देता हूं, काय के लिए, उसके लिए, थोड़ा सी के लिए काय को। अभी हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज देख लेते हैं। जरा इसको देख लो, डीसीएल देखो, डीसीएल। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बोथ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, दोनों ऑपरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होंगे और फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, दोनों का एडवांटेज मिला के डीसीएल में आएगा। इसलिए डीसीएल का फॉर्मूला बहुत ही सरल है। आपने डॉल में मेहनत कर ली, डीएफएल में मेहनत कर ली, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो आपको डीसीएल देगा। बहुत ही सिंपल, देखो यहां पे लिखा है, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डीसीएल इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉल एंड डीएसएल, डॉल एंड डीएफएल। यहां पर लिखा है, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। ओके गाइस, ओके ओके ओके। तो आप क्या होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में पहले डॉल निकालना, मान लो डॉल आया 2, डीएफएल है मान लो वो भी आया 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 इज द डीसीएल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डॉल आया 2, डीएफएल आया 3, तो मल्टीप्लाई करने का आंसर है 6, और 6 इज नथिंग बट आपका डीसीएल। ओके गाइस, कॉन्सेंट्रेट। चलो आगे देखते हैं। सर कैसे, मतलब बताओ। कई लोगों ने डिमांड की कि मैं ब्लैक यूज करूं, तो ब्लैक ही कर लेता हूं। ये उसका फॉर्मूला है। बिकॉज ऐसा फॉर्मूला आने की वजह यह है कि यहां पे हम लोग डीसीएल के अंदर जो है ना, हम लोग फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं, साथ साथ में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो डीसीएल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल कॉस्ट। और आपने ऑपरेशनल कॉस्ट तो यहां पे निकाली है, और डीएफएल में आपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को देखा है। फिक्स्ड डॉट एंड फिक्स डॉट, ओके। तो इसीलिए DCL is giving you the advantage of fixed operational cost as well as the fixed financial cost. इसलिए फॉर्मूला तो बहुत सही है। ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए हमारे पास डॉल है, और फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए हमारे पास में DFL है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ओवर। आपको क्या समझा, क्या मैंने क्या बोला? चलो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूला फिर से देते। DCL is equal to डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। तो डॉल का फॉर्मूला क्या, सिंपल वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पहले लिखना नहीं, आपको सुनना है। और यहां का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये दोनों को कट कट मारेंगे, आपको मैथ्स में सिखाया है ये।
आंसर क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। फॉर्मूला समझ गया होगा। अरे यार इजी है यार, कम ऑन यार, दोनों फॉर्मूले को आमने सामने लिख के काट काट कर दिया, दो बच्चे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। अरे बचपन से पढ़ते यार हम लोग ये मैथ्स में, कमाल कर रहे, दोनों का डॉल का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट हो गया, आंसर आ गया। अब चलो डीसीएल की बात करते हैं, और डीसीएल का दूसरा कॉम्प्लेक्स वाला, अरे परसेंटेज चेंज इन, चलो ऐसे थोड़ा सा और करते इसको और मजे लेते इसके, डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। ओके डॉल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ना 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 ईबीआईटी किसने बोला, कौन है ईबीआईटी बोलना मुझे, सेल, कितना सेल चेंज हुआ, बदले में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इज इट ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसको, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, इसको कट मारेंगे, कट मारने, इसको कट मारो, इसको कट मारो, दोनों को कट मारा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बचेगा डिवाइड बाय, ना 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 क्या कर रहा हूं मैं, ईपीएस बचेगा और परसेंटेज चेंज इन सेल बचेगा, ये उसका फॉर्मूला है। आई थिंक फॉर्मूला इज डिराइव्ड, वेरी मच डिराइव्ड, कोई डाउट है क्या इसमें, तो आपको लिखना चालू करिए प्लीज, ये पूरा लिख के निकालो, सब कुछ लिखना चाहिए, सब कुछ ये पूरा के पूरा मुझे लिखा हुआ चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट प्लीज रिपीट। अरे यार प्रणव, चलो एक बार मैं बोल देता हूं फिर लिखना चालू करना, एक बार मैं बोल रहा हूं, लास्ट के एक मिनट और बोल रहा हूं। देखो बच्चों डीसीएल क्या है, कंबाइंड है, तो कॉम्बिनेशन में कौन से लेवरेज आएंगे, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, तो कंबाइंड लेवरेज विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज व्हाट, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट कहां से डिराइव होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट के फायदे, लेवरेज कहां से आएगा, डॉल से, इसलिए डॉल आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डीएफएल से, बिकॉज डीएफएल से आपको कौन सा लेवरेज मिलता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का, इससे दोनों का, क्योंकि कंबाइंड में इतना याद रखो, अगर कुछ नहीं समझ रहा इतना बोलना, कंबाइंड लेवरेज इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। अगर किसने पूछा उसकी वजह क्या है, बिकॉज कंबाइंड लेवरेज विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दोनों का लेवरेज मिलता है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल। अब बताओ बच्चों डीसीएल इज इक्वल टू व्हाट, डॉल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, वेरी गुड। तो डॉल का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी आ गया फॉर्मूला, और वापस डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला क्या है, डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल, तो दोनों के ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला और ये वाला, उसके बाद में ये वाला ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अब ये मत बोलना इसमें डाउट है, इसमें डाउट नहीं है ना आपको कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, डॉल का परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर है। अब इसकी बात करेंगे डीएफएल की, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे है और ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है, तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट हो गया, बचा क्या, ईपीएस ऊपर रहा और सेल नीचे आ गया, सिंपल है, प्लीज लिखिएगा, ये लिखना है आपको, जल्दी से लिखो, टाइम नहीं है अपने पास। मेरा नाम तो हाथों में मने लिखे बारहा, मेरे संग चल के मुझको मेरे संग बेकारी है। बड़ौदा स्पोर्टिंग गुड्स इंडियन लिखा है। अच्छा पर बेचते तो सिर्फ बड़ौदा में हो ना, नाम इंडियन रखा है।
है ना, क्योंकि जिंदगी में कोई क्वीन नहीं है, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन अभी लाइफ में आएगी तो फिर देख अपना लक कैसे बदलता है। क्यों बेवजह मिलके मुस्कुराना, बिन कुछ कहे सब भूल जाना, करना इशारा बातें बनाना, सब मेरे गाइस वेलकम बैक। हुआ क्या आपका भाई? इज इट ओवर एवरीवन? ओके ओके, डन डन डन। सो आई बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन चाइल्ड, वी आर स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी आर मूविंग हियर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है लेवरेज। लेवरेज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर वन, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आपको सभी को सॉल्व करता है। बैक टू बैक छह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जस्ट चेक इट आउट गाइस। अच्छा, छह क्वेश्चन हो जाएंगे? अरे बेटा सात हो जाएंगे, आठ भी हो जाएंगे। अब आपको सब कुछ मालूम ही तो है क्या करना है, और मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, जवाब तो आपको ही देना है। ओके रेडी गाइस? बोलो रेडी, आर यू रेडी गाइस? कम ऑन, आर यू रेडी? रेडी बोलो रेडी। चलो रेडी, वन टू थ्री स्टार्ट। एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट्स। इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 14 पर यूनिट, उसका ब्रेक इवन हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट इज 9 पर यूनिट। ओहो, कितने हजार यूनिट बनाते हैं वो? 20,000 यूनिट्स। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक यूनिट कितने का? 14 का। तो कितना बचेगा, कितना होगा? 280,000। कैलसी भी लेंगे, उनका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। कितनी क्वांटिटी सेल करना है? 20,000। 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 280,000। ओके, एंड द वेरिएबल कॉस्ट अंदाजन से दिमाग में रखो 280, कहीं लिख कर रखना 280 लिख के रखो, ठीक है ना? अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को। 20,000 यूनिट्स है, एक यूनिट के पीछे 9 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कितना माइनस होगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, आंसर आएगा 1,08,000। अब ये है कि उनका सेल कितना हो रहा था, सेल कितना हो रहा है? सेल हो रहा है 280 के, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 180 के, यानी बचता 100 के, समझता ना? के यानी कि क्या? के यानी कि आपका 1,000, ठीक है ना? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर द सेल्स वॉल्यूम 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स। और सर एक बात बताओ, इन्होंने तो फिक्स कॉस्ट दिया ही नहीं है, हमारे पास सेल्स है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सेल्स यहां पे लिख लिया।
ये मैंने सेल्स यहां पे लिखा, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया, अब बचा ईबीआईटी। अब सवाल उठ रहा है ईबीआईटी के अंदर माइनस करना होगा फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके आएगा ईबीटी, पर हमारे पास तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ही नहीं होगा तो ईबीटी निकलेगा कैसे? ईबीआईटी निकल गया, ईबीटी नहीं आया। और जब भी हम लोग डॉल डीएफएल करेंगे ईबीटी की तो सख्त जरूरत है, सख्त। अब कैसे करें, कहां से लाऊं मैं फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढ के? अब इन्होंने एक बात कही थी ब्रेक इवन पॉइंट, कहीं लोगों को समझ गया होगा भाई, ये ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ऐसी जगह जहां पे आपका ईबीआईटी जीरो आ जाता है, यानी कि वो बोल रहे कि आपका ईबीआई सॉरी जिसका ईबीटी जिसका प्रॉफिट जीरो आ जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, यहां पे माइनस करो आप, यहां पे क्या करो, इसका फिक्स कॉस्ट जो है ना, ये फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद में जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो ईबीटी। यानी कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, जरा बताएंगे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट आपका 100 के आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कम ऑन। अरे भाई ऊपर लिखा था इन्होंने, आपको ये समझा क्या नहीं समझा? आपका आ गया क्या एट ब्रेक इवन पॉइंट? अरे आपने तो बहुत सॉल्व कर लिया रे, फिक्स्ड कॉस्ट 100,000 तो आपको बहुत पहले ही मालूम चला था। अरे मैं तो मुझे लगा आपका आपको नहीं आ रहा होगा। फिर से एक बार मैं बताता हूँ उसने क्या बताया था, एक बार यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, मैं पहले करता हूँ आप कुछ मत करना, मैं पहले करूंगा आप कुछ नहीं करेंगे, एक कॉलम मैं करूंगा दो कॉलम आप करेंगे। सेल कितना हुआ? सेल कैलसी पे लेना कितना हुआ? सेल 20,000 क्वांटिटी, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। तो आपका सेल हुआ 2,80,000। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, एक की कीमत कितनी है? 9 रुपए, और आपने कितना सेल किया? 20,000। तो कितना माइनस होगा? 1,80,000। बचेगा कितना? 1,00,000। ये क्या है आपका ईबीआईटी, माइनस क्या करेंगे मालूम नहीं, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, ये होगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां पे आएगा ईबीटी, और ईबीटी आएगा जीरो, बिकॉज उन्होंने कहा ये ब्रेक इवन पॉइंट है। 20,000 से कम बेचेंगे तो आपको लॉस होगा, 20,000 से ज्यादा बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ये ब्रेक इवन है, यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी कि कितना हो जाएगा क्या आपका ये फिक्स कॉस्ट, क्या मैं इसको बैलेंसिंग फिगर लिख सकता हूं? हाँ ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका सही आंसर है। अब आपका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, यहां पे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते क्या लिखा है, कैन यू रीड द क्वेश्चन? यस। क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ध्यान से देखिए, डॉल निकालना है आपको जब आपका वॉल्यूम 25,000 और 30,000 है, 25,000 और 30,000, अभी हमने कितना निकाला था? चलो वो भी कर लेते हैं, 25,000। अगर आपको चाहिए तो यूनिट से भी निकाल सकते, यूनिट कितना था यहां पे? यहां पे हमने लेता 20,000, और यहां पे यूनिट के रेट कितने हैं? रेट ये कितना है बच्चों, रेट कितना है? ये है 14, ठीक है ना। अब वो बड़ा एक काम करो, ये 25 ले लो और एक में 30 ले लो, और आपको ये सब कुछ निकालना, रेट तो वापस से 14 ही होंगे, तो आप सबका सेल तो आराम से निकाल ही सकते हो, और वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो, और आपका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा। आपका समय शुरू होता है, अब देखते कितने लोग जवाब दे सकते हैं। अरे मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? ओ नो, अरे आप मुझे रोका नहीं बच्चों, ये वही बोल रहा था मैं, ऐसे कैसे हो रहा है? अरे आएगा ना भाई, ये तो कंट्रीब्यूशन है ना, ये कंट्रीब्यूशन है और ये आपका ईबीआईटी है। बाय मिस्टेक। ओके, सर वो आपने फिक्स कॉस्ट 1,00,000 कहां से लाया? बेटा उन्होंने कह दिया था कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि ऐसा पॉइंट है जहां पे ईबीआईटी जीरो ही है, तो हमारे पास ईबीआईटी जीरो ये पहले से ही मालूम था, तो जो बैलेंसिंग फिगर बना वो फिक्स कॉस्ट बना दिया, हमारे पास में जीरो पहले से ही हमें मालूम था, इसलिए ये जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, देखते कितने लोग जवाब देंगे, क्या जवाब दे रहे हैं। सब लोग 5 times 3 times लिख रहे, 5 times 3 times 5 times 3 times ऐसा कुछ आ रहा है सबका, 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3। ओके, आपको डॉल पहले कॉलम का नहीं निकालना है, आपको डॉल दूसरे और तीसरे कॉलम का निकालना है। देखते हैं कितना सेल हो जाएगा सर, चलो
25,000 को मल्टीप्लाई करना 14 से आंसर आएगा 3,50,000, ये तो सबका क्लियर आ गया होगा। उसके बाद में बात करेंगे 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आएगा 4,20,000। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, अगेन 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 रुपए से, यानी कि 9 रुपए यहां पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, और वापस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30,000 को तो यह आएगा 2,70,000। अभी बचेगा 1,25,000, यह आएगा 4,20,000 माइनस 2,70,000, आंसर इज व्हाट 1,50,000। क्या ये बात अभी तक सबका सही आ रहा है? और फिक्स कॉस्ट तो सभी का 1,00,000 ही होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल। यहां पे आएगा 25,000 और यहां पे आएगा 50,000। और अगर मैं यहां पे आपका डॉल निकालने जाऊं तो डॉल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था मेरे पास? 1,25,000, और ईबीआईटी कितना है? 25,000, तो ऑब्वियसली आएगा 5 times। लेवरेज हमेशा टाइम्स में लिखते हैं, और इधर कितना आएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन? 1,50,000, और यहां पे आएगा 50,000, आंसर आएगा 3 times। आंसर इज ओवर गाइस, आंसर ओवर। कितने लोग का आंसर 5 times 3 times आ रहा है? 5 times 3 times, कम ऑन गाइस, 5 times 3 times। कितने लोग का आंसर करेक्ट है? करेक्ट है, करेक्ट है, कम ऑन, 5 and 3, 5 and 3, कम ऑन गाइस, बहुत लोग आंसर सही है, 5 times 3 times, 5 times 3 times, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हरी अप, ऑल करेक्ट, 5 times 3 times, कम ऑन। चलो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। Hey guys, welcome back. Are you ready? Ready guys, come on. Can I take the next question? चलो अरे मजा क्या है? अभी ऐसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, कुछ नहीं, कुछ मुश्किल कराओ बेटा, मुश्किल तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे पूछते मैं वैसे ही कराऊंगा, मुश्किल कैसे कराओ, ऐसा ही लेवल आएगा बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कम ऑन, चेक इट आउट, देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे इसका। अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ, कैन आई स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन? जी हां, सब लोग स्टार्ट करें, अच्छे से लिखो क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि M2, यानी कि मौलू का क्वेश्चन नंबर 2। और आप क्या करना है आपको मालूम क्या? आप जब नोटबुक पे लिखते हो ना, आप लिखो M2 और पेज नंबर ये डालो, ये कौन सा पेज नंबर है? 3.7। M2 / आपका जहां आंसर लिखते हो ना, आप लिखो M2/3.7, यानी मौलू का पेज नंबर कौन सा है? 3.7। और जो आपका जो ऐसा बुक होगा ना जहां पे आपको बुक मिलेगी, तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखो आपका जो नोटबुक का पेज नंबर है ना, आपने नोटबुक ली होगी, वो नोटबुक को भी आप क्या करो, पेज नंबर डालो, 1, 2, 3, 4, ऐसे सारे पेज नंबर डालो नोटबुक में, अभी 10-20 डाल के रख दो। तो आप जब ये क्वेश्चन लिखोगे ना, यहां पर लिखो पेज नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इट इज सॉल्व ऑन पेज नंबर 8, तो यहां पर लिखो पेज नंबर 8, ये आपको लिखना है, ताकि आप एग्जामिनेशन के पहले अगर आपको देखना आपने अपने नोटबुक में किसको कहां लिखा है, तो आप ढूंढते रह जाओगे। इसे दोस्तों आज से ही तैयारी करना होगी हमें, जब भी हम लोग बुक्स मेंटेन करेंगे, बुक्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन होना जरूरी है, वरना कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पहले, पढ़ नहीं पाते बिकॉज उन्होंने ढंग से लिखा ही नहीं है। यहां तक कि हर कोई क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको हाईलाइट करना, जैसे यहां पर फिक्स कॉस्ट 1,00,000 का सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब बेकार है। और फिक्स कॉस्ट जो 1,00,000 का ना, इस पूरे क्वेश्चन में हाइलाइटेड पॉइंट होना चाहिए, एग्जामिनेशन के पहले कम से वो 1,00,000 आपने पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो कुछ तो अलग था। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, जहां पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर जो भी आप लिखना है, यहां पर क्वेश्चन जहां पर वहां पर लिखो, और जहां पर आंसर लिख रहे हो आप लिखो M2/ क्या है, पेज नंबर 3.7। और फॉर्म एज अ सेल्स ऑफ कितना? 40,00,000 रुपए का सेल है, बहुत अच्छी बात है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 25 है, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, फिक्स कॉस्ट 6 लाख,
साला सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट दिया, डायरेक्ट आपको ईबीआईटी भी मिलता है और ईबीटी भी मिलता है। कम ऑन, देखो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका ईबीआईटी भी आता और आपका 10% डेट दिया है, वो भी किसके ऊपर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखियो, 10% ऑफ डेट ऑन 30 लाख, यानी कि 10% डेट ऑफ 30 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट है। तो ईबीआईटी में से 3 लाख माइनस करते आपको क्या मिलेगा, ईबीटी मिल जाएगा। और आपका इक्विटी कितना है, आपका क्या बोल रहा है वो, इक्विटी कितना बोल रहा है, इक्विटी कैपिटल ऑफ रुपीज 45 लाख्स। ओहो, आपको समझ में आओ क्या बोल रहा है ये सर, इक्विटी कैपिटल 45 लाख्स क्यों दिया हमको, क्या फायदा उससे, आपको क्या निकालना है, डॉल निकालना है, आपको क्या निकालना है, डीएफएल निकालना है। तो बच्चों डीएफएल के लिए तो आपको ईपीएस तो निकालना ही पड़ेगा, पर ईपीएस तो दिया ही नहीं है। तो बच्चों आपके पास जो ईएटी आएगा, टैक्स अज्यूम कर लेंगे जीरो है, तो आप अपने आप ईएटी आएगा, ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। सर फिर नंबर ऑफ शेयर दिए नहीं यहां पर, तो इक्विटी दिया है ना, कैसे निकाले, कैसे समझ में आएगा, कैसे होगा इक्विटी कैपिटल ऑफ 45 लाख्स, आप ही बताओ कैसे निकालेंगे, नहीं तुम बताओ कैसे निकाल। मैं आपको तो अजम्पशन ले लेंगे 100 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए का एक शेयर है तो कितने शेयर होल्डर होंगे, 45 लाख्स में से 2 जीरो कम कर लो, एक 45,000 शेयर होल्डर आपके पास में होंगे। क्या अजम्पशन लिखो, इट इज, लिखो वहां पर, इट इज अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 100, वैल्यू ऑफ, it is assumed that the value of one share is equal to 100, it is assumed that the value of one share is equal to 100, to aap mujhe batayenge number of shares kitne honge, sir number of shares kitne honge agar ye janna hai to 45 lakhs ko divide karenge 100 se, to aapka answer aayega 45,000, ye aapke number of shares hai। और नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो गया तो आपका ईपीएस निकल जाएगा, आपका समय, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है और डॉल डीएफएल निकालना है, आपका समय। एक बार बता देंगे बच्चों डॉल के लिए फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एक बार बच्चों बताओ डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ओहो हो, अगर ये भी दिया है तो आपको तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, परसेंटेज परसेंटेज चेंज। तो अगर आप उसको, अगर मान लीजिए ये ईपीएस अगर नहीं भी निकालते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आपने पहले ईपीएस क्यों बोला था, मैंने ऐसा ये मान लिया था कि दो कॉलम दिए होंगे तो अपने को ईपीएस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज उसका फॉर्मूला ईपीएस है, पर यहां पे तो एक ही कॉलम दिया है, उस केस में तो आपको ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करना है। तो अगर आप ये नहीं भी करते हो ना, ये वाला पार्ट अगर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई बात नहीं। मतलब ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में नहीं भी होती है ना इक्विटी की, तभी भी चलेगा। आपका समय शुरू होता है, देखते 5 मिनट्स के अंदर आप सभी को डॉल और डीएफएल निकालना है, देखते कितने लोग जवाब दे सकते हैं। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया, मंथन के मुतिया आई अब डोला बन के ना दिल च पिपल पंडिया पाही चूड़ा बन के, मेरे सोने सोने मैं जितना तुम्हें चाहे हर तेरे दिल मिलेंगे।
ओके गाइस वेलकम बैक। देखते हैं आईसीआई ने इसका आंसर क्या निकाल के दिया है आप सभी के लिए। देखते हैं आप लोगों ने सभी ने इसका आंसर क्या निकाला, एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एक बार देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया है। डॉल 1.67 कहते हैं और डीएफएल 1.5 ऐसा आंसर आ रहा है। मैं ये सेल लिखता हूं बच्चों, सेल कितना देखते हैं। ओके सेल है हमारे पास 25 लाख या 40 लाख, 40 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 25 लाख, तो सेल हो गया 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख और ये आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका 15 लाख। माइनस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख, 6 लाख हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। आंसर है 9 लाख। यह हमारा बन गया EBIT। यहां तक सब लोग सही होंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट जो है हमारा 3 लाख है। कितना 3 लाख के बराबर है, क्योंकि 10% कॉस्ट है 30 लाख पे, तो 3 लाख ही आएगा आंसर, 3 लाख हो गया। उसके बाद में आंसर कितना गया 6 लाख, तो ये क्या हो गया हमारा EBT हो गया। इतने पैसे हम लोग डॉल भी निकाल सकते हैं। डॉल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना है 15 लाख और जो हमारा EBIT है वो है 9 लाख, तो आंसर कितना आएगा यह है 15/9=1.66। देखिए कितने लोग आंसर सही है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे DFL की। इसका आंसर है EBIT/EBT। EBIT हमारा कितना है 9 लाख और ये है 6 लाख, तो 9/6 तो 9/6 अगर हम लोग करते हैं तो आंसर इज व्हाट 1.5। यहां पे हम लोग लिखेंगे टाइम्स और यहां पे भी हम लोग लिखेंगे टाइम्स। अब जरा देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही है। क्या आपका जवाब सही है? ऑल करेक्ट गाइस, 1.66 एंड 1.5 सभी लोगों का आंसर बिल्कुल मुझे सही नजर आ रहा है। वेरी गुड। अभी बातों ही बातों में दोस्तों हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करे। कैन आई प्रोसीड ऑन थर्ड क्वेश्चन। I think you're feeling more confident now because आपको सब आने लगा है। I'm moving on question number 3 guys, come on check it out, come on guys, come on, we're moving on third question। देखते क्या लिखा है यहां पे। वो चाहते कि हम लोग निकाले डॉल, हम निकाले DFL और हम निकाले कंबाइन, यानी कि डॉल DFL DCL तीनों। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कम ऑन गाइस, क्या लिखा है? हमारा आउटपुट जो है वो 2.5 लाख है, 2.5 लाख यूनिट, 1,25,000 यूनिट और 7,50,000 यूनिट। ओके तीनों अलग अलग फॉर्म है। पी कंपनी का आउटपुट है 2.5 लाख, क्यू कंपनी का आउटपुट है 1,25,000 और आर कंपनी का आउटपुट है 7,50,000। तीनों की फिक्स कॉस्ट, आप कहेंगे सर फिक्स कॉस्ट अलग अलग क्यों है? भाई एक कंपनी नहीं, कंपनीज ही अलग है, तो इनका फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है। देखते वेरिएबल कॉस्ट कुछ दिया गया, तो वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। देखते सेल्स कुछ दिया गया, यानी कि सेल्स आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस होता है EBIT आ जाएगा और इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपका EBT भी आ जाएगा। अब तीनों का आपका डॉल निकालना है, DFL निकालना है, DCL। आपको डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। और दोनों निकालने का, दोनों को मल्टीप्लाई तो आपका DCL भी आ जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। देखते आपको घड़ी लगाकर मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं। 5:57 को आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 5:57 यानी अब से लेकर ओनली 5 मिनट्स में। इसका पेज नंबर जानना चाहते हो, पेज नंबर क्या है जरूर अच्छे से लिखना, M3 3.9 ये पेज नंबर है। और अगर आपके समय बुक है तो बुक पे लिखिएगा। आप क्या लिखोगे वहां पे कि आपका जो भी इसके नीचे डाल दो पेज नंबर जो भी आपका है, 3.9 पेज नंबर 9 3.9। आपके पास में केवल 5 मिनट का समय है। We'll be right back.
लास्ट 3 मिनट्स आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हरी अप गाइस। गाइस आई होप इट इज डन। सभी लोगों ने जवाब दिया है क्या? क्या अभी भी आप कर रहे हो? आर यू स्टिल सॉल्विंग इट? कम ऑन गाइस, इज इट ओवर? स्टिल यू आर हैविंग वन मोर मिनट। एक मिनट के अंदर सब सॉल्व चाहिए मुझे। Okay guys, I hope it is done. ये आपका हो चुका होगा। 5 मिनट मैंने आपको दिए थे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और 5 मिनट खत्म हो गए होंगे। ओके, देखते हैं सभी का आंसर कैसे है, क्या है। आपको सभी को आ ही रहा होगा, मैंने देखा। अभी देखना है आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल्स क्वांटिटी आपने लिखी होगी, ऐसे 4 कॉलम आपने बनाए होंगे। फर्म्स इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना है। देखो कैसे प्रेजेंटेशन करना है, इसलिए आपके लिए मैंने पीपीटी बना के लाई है ताकि आपको समझे कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। 4 कॉलम है, सेल्स क्वांटिटी आपने लिखी, फिर आप एक काम करो रेट भी लिख दो। तो रेट आपने लिख दिए, ये सब रेट लिख दिए। अब क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा आपको उसमें सेल्स आएगा। तो सेल्स एक बार सभी लोग चेक करेंगे कितना है सेल्स, ये जो भी आएगा ये सब सेल्स आएगा। सेल्स के बाद में हम लोग उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कम करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सेल 2.5 लाख, 1,25,000 एंड 7,50,000। 2.5 लाख, 1,25,000
एंड देन व्हाट 7,50,000 इसका हम लोग क्या करेंगे पर यूनिट कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो कितनी है वो देखो कितनी कमॉन 5 आई थिंक 7.5, 7 और 10 यहां पे मैं लिख दूंगा 7.5, 7 और 10 तो मेरा आएगा यहां पे ये सेल के बदले हम सपोज टू राइट यूनिट यहां पे आएगा सेल वैल्यू कितनी आएगी अब ये 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे 7.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं देखो मैं चाहता तो आपके साथ साथ पहले भी सॉल्व कर सकता था मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करें पहले इसलिए मैं रुक जाता हूं ताकि अगर आपको मैंने दिखा दिया और आपने वैसे सॉल्व कर दिया तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया कभी तो इसलिए मैं आपको पहले सॉल्व करने का मौका देता हूं और हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा ताकि आपका ये 75 लाख है ठीक है आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े ये सेल निकाल लिया हमने अब हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी जरा देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास में कितनी है फाइव टू पांच दो 7.5 ठीक है ना ये है 5 ये है 2 और ये है 7.5 अब यहां पे कितना आंसर आएगा ये वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट को हमको यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट है तो अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी अपनी 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको तो आई थिंक ये आएगी 12.5 लाख ठीक है ना और ये 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये आएगा 2.5 लाख और ये 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा इसका 7.5 तो 7.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से आंसर आएगा 56,25,000 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो हमारा सेल में से ये माइनस करेंगे ना हमारा आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन तो 2.5 लाख में से यहां पे देखेंगे सबसे पहले 18,75,000 तो उनमें से 1,250 गए आंसर आएगा 6,25,000 इसका आंसर आएगा 875 में से 250 गया आंसर आएगा 6 लाख अगेन 25,000 ये सही है गलत एक बार चेक कर लेना और माइनस करेंगे 5,625 यहाँ पे आंसर आएगा 18,75,000 अगर मुझे इसका आंसर आईसीए से चेक करना है तो दोस्तों देख लेना आईसीए ने उनका आंसर क्या लिखा हुआ है आईसीए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 6,25,000 6,25,1875 क्या अपना आंसर भी उतना ही है सभी लोग का इतना ही आएगा चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे अब सबकी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है माइनस कर लेंगे फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पे है फिक्स कॉस्ट 5,00,000 2,50,000 5,00,000 2,50,000 यही हो गया 5 लाख ये है 2.5 लाख और ये है 10 लाख ठीक है ठीक है ये खत्म हो गया अब बचेगा 1,25,000 ये बचेगा 3,75,000 और ये बचेगा 8,75,000 और ये क्या हुआ अपना EBIT और अगर माइनस करेंगे तो यहां पे इंटरेस्ट को लिखना है और इंटरेस्ट माइनस करेंगे इंटरेस्ट 75,000 25,000 75,000 25,000 75,000 25,000 एंड दिस इज 0 ये हो गया इंटरेस्ट अब आएगा ये ईबीटी ये आएगा 50,000 ये आएगा 3,50,000 और ये आएगा 8,75,000 क्या ये आंसर बिल्कुल सही है आपको अगर देखना है तो हम लोग इसको आईसीआई से कंपेयर कर सकते हैं यह है आपका आंसर 50,000 3,75,000 and 875 50,000 बिल्कुल सही अभी तक सबका आंसर सही आ गया होगा और अगर आपका ये सही है तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही सही है अब कुछ बात ही नहीं दोस्तों अभी तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ये क्या है मालूम है अगर ये मैं देखता हूं तो अपना आंसर है ये व्हाट डू यू कॉल इट गाइस हम लोग डॉल निकालेंगे डॉल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं डॉल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बच्चों यहां पे ये आएगा 6,25,000 और ईबीआईटी है 1,25,000 यानी कि यहां पे आंसर आएगा हमारा 5
ओके. नाउ द क्वेश्चन इज 625,000 upon 375. 625,000 upon 375. 625. तो 625 माइनस व्हाट 375. आंसर इज व्हाट 1.66 टाइम्स. और आंसर इधर आएगा 1875 upon what 875. ये है अपना डॉल. क्या कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, एक बार चेक करेगा सब. 5 1.66 2.14. एवरीबॉडी प्लीज टेक. बताओ कितने लोगों का आंसर सही आया. कम ऑन गाइस, ऑल करेक्ट. 5 1.66 2.14. अगर आप अपने मन से सब कुछ कर पाए तो चैप्टर खत्म है, आपको सब कुछ आ रहा है. अब हम लोग करेंगे DFL, जिसका नाम है EBIT upon EBT. EBIT कितना है? 125 एंड 50. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 125. चलो ऐसे कर लेता हूं, 125K upon 50K. तो 125 डिवाइड करूंगा 50 से, तो आंसर आएगा ये 2.5 टाइम्स. उसके बाद में इसका आंसर है EBIT 375 upon 350. 375K upon 350K. आंसर है 375 upon 350. आंसर इज 1.07. ये सबके सामने टाइम्स लिखना है. और बाद में है आपका 875 upon 875, क्योंकि यहां पे कोई भी कॉस्ट नहीं था, फिक्स्ड फाइनेंशियल दिया आ गया 1. कितने लोग आंसर सही दिखते हैं, एक बार चेक करो. फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे ना, फॉर्मूला के बगैर कैसे चलेगा. फॉर्मूला को लिखना ही पड़ेगा. ऑल करेक्ट, सब लोग कह रहे करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है. और आप बताओ डीसीएल कैसा आएगा. डीसीएल में आपको डॉल और डीएफएल को यहां पे मैं लिखता हूं, डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल. तो आंसर क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, तो आंसर आएगा 12.5 टाइम्स. ये आएगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 1.07. आंसर आएगा 1.77 समथिंग. और उसके बाद में 2.14 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आंसर आएगा 2.14. ओके गाइस, चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेना. ऑल करेक्ट. अरे यार तुम्हारा सब करेक्ट है यार, एवरीबॉडी सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है. कम ऑन गाइस, वेलकम बैक. कितने लोगों करेक्ट है? अरे जिनका करेक्ट हो करेक्ट लिखते चलो, लिखते चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ाते चलो. मुझे भी समझ आ जाए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. कम ऑन गाइस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. कम ऑन, 3 प्रॉब्लम आज हमने सॉल्व किए और मुझे पूरी उम्मीद है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको जरा सी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जिस तरह से आप. और बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका. एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं आपका आंसर, और आईसीए का आंसर भी आप पूरा चेक कर लीजिएगा. ये आईसीए का आंसर है, पूरी तरह से आईसीए के मॉड्यूल से छापा हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते. क्या यही आंसर है आपका भी, हमारा भी, आईसीए का भी, सबका आंसर सेम है? बिल्कुल बिल्कुल, नाचेंगे आओ बचाओ. बिल्कुल. अब दोस्तों एक 2 मिनट का पूरा गाना सुनते हैं और फिर जाएंगे आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना. अभी तो हमें 3 प्रॉब्लम्स और करना है बैक टू बैक. चिपक के, आर यू रेडी गाइस, आर यू रेडी? ओके. रे रे रे, चलो क्या सुनना पसंद करेंगे आप, आपकी फरमाइश बोलेगा, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे. आजकल गाने में भूल गया क्या, कौन से गाने हैं? फनी गाने सुन दे, फनी, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए. तेरे साथ में लुका छुपी खेलूंगा, जड़ सूट में बड़े नगीने यार है, फैन तेरा हरियाणा यूपी और बिहार है, जो
भी गोरी बोले हम सब करने को तैयार है, होंठ से होंठ मिला के करती सीधा दिल पे वार है। तेरे साथ में रानी होली खेलूंगा, समंदर मजे है लेता, डूबी डूबी रहती है, डूब डूब के सीने सीने सट सट के रहती है। यार बड़ा मजबूत घना पर तुझ पे पूरा लट्टू है, तू भी बिल्कुल कम नहीं है, ऐसी है थोड़ी वैसी है। रोनी ककड़ हूँ मैं रानी लूडो खेलूंगा, तेरा सूट बड़ा टाइट बांस बुकी तेरे हाइट उस पर काटी रहती फाइट बेबी। Okay guys, welcome back. You're a honey singer. Hey! Hey guys, welcome back. Samajhna saath ki kahani, pili red wine ne purani, lakh roka tayaron ne, ekhe na kar tu man mani. दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आया ना, ये आप भी करेंगे और मैं भी करेंगे, दोनों साथ में करेंगे, खत्म कर देंगे। चलो आ जाओ, सिर्फ एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में बस। पहले तो आप लिखो M4 और आपके पेज नंबर लिख दो क्वेश्चन बैंक पे, आंसर शीट का पेज नंबर और आंसर शीट पे क्वेश्चन पेपर का नंबर डाल दो, ताकि आपको इसका पेज नंबर जानना। ये 3.10, ये 3.10 है, तो आपका आंसर शीट पे आपको लिखना है M4 3.10। ओके 3.10। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू फोर फर्म्स, चार अलग अलग फर्म की इंफॉर्मेशन दी है आपको। सबका डॉल निकालना है, आपको सबका DCLB निकालना है। ओ माय गॉड, डॉल निकालना, DCL कितना तकलीफ है यार, कैसे निकलेगा अभी। दोस्तों अब आ गया वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, उसका रॉ डेटा दिया है। चेंज 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 आपको चेंज दिया है दोस्तों। कम ऑन, वेलकम बैक। यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ चेंज? आर यू देयर गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी डॉलर का चेंज वाला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऊपर परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये डॉलर है। और बच्चों DFL का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। परसेंटेज चेंज इन EBIT नीचे, परसेंटेज चेंज इन EPS ऊपर। दोस्तों यहां पे लगने वाला सब डेटा दिया हुआ है आप सभी के लिए। एक बात मुझे कहना है, जब भी ये कहते ना चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम, इसका ही मतलब होता है ये EBIT है। EBIT का दूसरा नाम लिखो वहां पे, नोट लिखो नोट। EBIT इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, EBIT इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम आपको लिखना होगा, वरना एग्जामिनेशन में आप परेशान हो जाओगे। अरे EBIT दिया ही नहीं, अरे भाई दिया ना, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ही EBIT है। ओके दोस्तों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इसको देख के डॉल निकाल सकते हैं? मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं, पर आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं कि DCL को कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग DCL का फॉर्मूला देखते हैं, क्या DCL के फॉर्मूला को लगने वाली सारी जानकारी के यहां पे दी भी है या नहीं दी है, देखते हैं क्या क्या दिया है। दोस्तों आपने ये फॉर्मूला लिख के निकालेंगे फिर से एक बार। चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला? ये है डॉल परसेंटेज चेंज इन, कम ऑन, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन, कम ऑन, यह आएगा EBIT। और अगर मैं डॉल और DFL की बात करूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन, इन व्हाट, इन व्हाट, इन व्हाट, कम ऑन, EBIT इधर आएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS।
क्या इन्हीं को दो, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, ये डीएफएल का फॉर्मूला, ये डॉल का फॉर्मूला, और अगर मैं इसको डीसीएल बनाना चाहता हूं तो मैं डॉल को हटा दूं, इनको दोनों को, इनको दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा और इसी का नाम हो जाएगा यहां पे डीसीएल। कम ऑन गाइस, इसको लिखता हूं मैं डीसीएल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हां जी। अब एक काम करेंगे, ईबीआईटी ईबीआईटी को कट कर देना, ईबीआईटी ईबीआईटी को कट करेंगे, बचेगा क्या? परसेंटेज चेंज इन व्हाट, कम ऑन, ईपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईपीएस परसेंटेज चेंज इन व्हाट, कम ऑन, सेल। यानी कि दोस्तों हमारे पास में डीसीएल का जो फॉर्मूला है जिसमें ईपीएस की जरूरत है और सेल की जरूरत है, तो क्या दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या ईपीएस दिया हुआ है? हां ना सर, दिया हुआ है। क्या रेवेन्यू मतलब सेल भी दिया हुआ है? हां दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन में डीसीएल निकाल सकते हैं? हां निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, अगर हमें पहले डॉल निकालना है तो डॉल वाला ये फॉर्मूला का डेटा भी हमारे पास है, और देखो बच्चों डीसीएल का ये फॉर्मूला है उसका डेटा भी हमारे पास है, तो आपका समय शुरू होगा। पर उस समय शुरू होने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा, फॉर्मेट हम लोग साथ में लिखेंगे, आपको ऐसे फॉर्मेट लिखना है। कितने कंपनीज हमारे पास क्वेश्चन पे देखो, 5 कंपनी यहां पे, MNPQR, तो आपको कितने कॉलम बनाना है? 6 कॉलम बनाना है। कितने, हाउ मेनी कॉलम? 6 कॉलम्स। पहले तो 6 कॉलम बनाएगा, पहला कॉलम बड़ा, बाकी कॉलम्स जो है यू आर सपोज टू ड्रॉ 6 कॉलम्स। आपको 6 कॉलम बनाना है पहले, तो बाकी कुछ मत करो, पहले 6 कॉलम, पहला कॉलम बड़ा, बाकी छोटे 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 5 कॉलम बना दो। चलो, यू आर सपोज टू ड्रॉ 6 कॉलम्स, आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। इसी तरह से हर चैप्टर में पहले 1 या 2 दिन हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, कम ऑन गाइस, द कॉन्सेप्ट, और एक बार कॉन्सेप्ट समझाना, उसके बाद में हम लोग कुछ भी सॉल्व कर सकते। ओके, कम ऑन, रेडी? ये सब बना दिया क्या आपने? रेडी गाइस, कम ऑन, बना दिया आपने? बना दिया सबने बना दिया? क्वेश्चन प्लीज, अभी नहीं, ये हो गया 6 कॉलम। आप क्या करो, पहले कॉलम में डॉल लिखो, डॉल का पहले फॉर्मूला लिखो, पहले कॉलम में डॉल लिखो, डॉल का फॉर्मूला चेंज वाला। कम ऑन गाइस, क्या फॉर्मूला है नीचे? परसेंटेज चेंज इन व्हाट आपको लिखना है। कम ऑन, परसेंटेज चेंज इन क्या? कम ऑन बोलो, परसेंटेज इन व्हाट? सेल। ऊपर क्या क्या? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? EBIT, पहले लिखो, फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है। कम ऑन, फर्स्ट कॉलम में जैसा लिखा वैसा लिखो, जैसा मैंने यहां पे लिखा वैसे लिख दो, फिर उसको हम लोग ऐसे देख के लिख लेंगे। लिख लिया होगा तो फिर आगे बढ़ता हो, लिख लिया तो आगे बढ़ता। इज दैट ओवर गाइस? कम ऑन, लिख लिया क्या? लिख लिया तो फिर आप बताओ क्या लिखा? परसेंटेज चेंज इन सेल, तो ऑलरेडी चेंज दिया हुआ है, कितना है? कैलसी पे लो, पहले कैलसी पे। हाँ, ऊपर क्या आएगा? ईबीआईटी का चेंज, और नीचे क्या आएगा? सेल्स का चेंज। तो ईबीआईटी का चेंज कितना है? 26। देखो लिखा है यहां पे 26, हाँ 26, और यहां लिखता है 28। तो करो बच्चों 26 अपॉन 28 इज इक्वल टू व्हाट? 0.92। पहले का आंसर 0.92, आर यू देयर गाइस? पहले का आंसर 0.92, जो भी आएगा 0.92 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा, वो जो भी आएगा 0.92.85, तो आप उसको 93 भी लिख सकते हो। इज दैट ओके गाइस? कम ऑन, हो गया क्या ये? इज दैट ओवर? ओवर, कम ऑन, दूसरा देखते हैं। क्या मैं फास्ट जा रहा हूं क्या? एम आई ओके? शुड आई डिक्रीज माई स्पीड? चलो चलो, कम ऑन, सब सही चल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों फिर से एक बार, एन का डॉल निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा? ऊपर, अरे ऊपर क्या आएगा रे? ऊपर ईबीआईटी आएगा, नीचे सेल्स आएगा रे? ऊपर क्या आएगा? ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना? 34। करो 34 अपॉन 27 इज इक्वल टू व्हाट? 1.25, वही 1.256, जो भी लिखना, आंसर बोलो, आंसर बोलो, कम ऑन। आपको 34 को डिवाइड करना है 27 से। हाँ, आंसर इज 1.26, कम ऑन, देखते 1.26, कम ऑन, 1.26, कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, बिल्कुल सही सभी लोग। अरे यार, कुछ लोगों ने तो पूरा के पूरा आंसर ही निकाल लिया, कितना फास्ट जा रहे हो आप, इतना फास्ट नक्को जा रहे। अरे मैं ऐसे डर लगता है, आप इतना फास्ट जाते रहे थे, अरे थोड़ा स्लो जा रहे हो।
चलो तीसरी बात करेंगे दोस्तों, कम ऑन नाउ, अब बात करेंगे हाँ वापस से ईबीआईटी पर। 38 डिवाइडेड बाय 25 आंसर कितना आएगा? 1.52 बराबर क्या 1.52 कम ऑन 1.52। अरे क्या क्या आंसर दे रहे रे, 1.52 आएगा आपका 38/25। अरे बोलो रे बराबर आया आया, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन, उसके बाद में क्यू 43 अपॉन 23 डिवाइड करो कितना आएगा? 43 को मैंने 23 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 1.86। फोर्थ का आंसर, 1.86। अरे तुम लोग कौन से आंसर दे रहे हैं, कौन से अगले आंसर दे रहे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दे रहे क्या? सर इतना इजी क्वेश्चन है कि सोते सोते भी आंसर कर सकते हैं। अरे बेटा तू स्मार्ट है रे तू, हम लोग को टाइम लगता है भाई। चलो 40 को डिवाइड करेंगे 25 से, 40 डिवाइड बाय 25 आंसर इज व्हाट 1.6। आंसर देखो 1.26 आना चाहिए, सॉरी 1.6 आना चाहिए 1.6। चलो अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? डीसीएल कम ऑन गाइस, अब आएगा डीसीएल के बारे, डीसीएल का फॉर्मूला बोलो। अब क्या जाएगा ऊपर? अरे ऊपर क्या जाएगा भाई, ऊपर जाएगा ईपीएस, नीचे आएगा सेल। अभी तो हमने आपको फॉर्मूला करके दिखाया ना, ये कट कट करके दिखाया। अरे बाबा अब भूल गए क्या रे, ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से वहां पे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, हमने ऑलरेडी देखा है, दिस इज ऑलरेडी डन गाइस कम ऑन, ये हमने आपको करके भी दिखाया, यहां पे देखो कट कट करके दिखाया। प्लीज ये फॉर्मूला को लिखिए, राइट डाउन दिस फॉर्मूला। ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन व्हाट कम ऑन सेल। क्लास में इन्वॉल्व रहिए, बोलते चलना, बोलते रहिएगा कम ऑन। वेलकम बैक गाइस। ऊपर आएगा ईपीएस, नीचे आएगा सेल्स, कम ऑन। देखिए हम लोग ईपीएस को ऊपर डाल दो। ईपीएस कितना है भाई कम ऑन, ये 32 है, नीचे आएगा सेल्स, तो 32 अपॉन 28 आंसर 1.14 बराबर क्या 1.14 पहले का आंसर बिल्कुल सही चल रहा है 1.14। इसी तरह से बाकी सबका भी आंसर वो करना है। अरे सबका आंसर वही आ रहा है, कितने स्मार्ट बैच यार। 26/27 कहां से आ गए आप लोग, कहां से आते हैं इतने टैलेंटेड विद्यार्थी, समझ ही नहीं आता। ये पूरी बैच ही बहुत टैलेंटेड लग रही है मुझे। 0.96 आंसर कम ऑन, वेरी गुड। उसके बाद में वापस से कम ऑन 23/25 आंसर 0.92 कम ऑन गाइज, बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अभी 27/23 1.17 कम ऑन। उसके बाद में 28/25 आंसर 1.12 सभी का आंसर सही है, बहुत सही चल रहा है, बहुत सही। मैंने फ्लो में डीएफएल भी निकाल लिया बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत आगे जाएगा ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, डीएफएल निकाल रहा है ये फ्लो में। अरे हौला हो गया रे युवराज, फ्लो में डीएफएल निकाल लिया बोल रहा। कम ऑन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, कम ऑन लास्ट क्वेश्चन। मैंने भी निकाल दिया बेटा, बहुत अच्छा किया अमीशा, आप बहुत आगे जाएंगे, जो लोग डीएफएल निकाले वो बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ही आगे जाना है जीवन में इनको।
हमने भी डीएफएल ने, प्रीति बिल्कुल बहुत आगे जाएगी, इन्होंने भी डीएफएल निकाल के चमत्कार किया, ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जिन्होंने डीएफएल निकाला। क्वेश्चन में पूछा डीसीएल है, लिखते डीपीए डीएफएल है लोग। कम ऑन गाइस, आई होप सभी का सब कुछ करेक्ट है एंड वी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ओ नो, वापस वैसाइज क्वेश्चन रहे, वैसाइज क्वेश्चन रहे। अब मैं क्या बताऊं, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही रहे। यहां पे बोल रहे हैं आपको बीटा दिया, बीटा का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है बीटा। यहां पे इसका मतलब जो होता है ना वो ये होता है, ये ईबीआईटी, यहां पे ईबीआईटी दिया, सेल दिया, और आपको क्या बोलते ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस कैलकुलेट डॉल। सिर्फ आपको डॉल निकालना और कमेंट करना है और उसके बीटा के ऊपर बोलना है। अब आपको मैं पहले डॉल निकालने बोलूंगा, पहले डॉल निकालो फिर कमेंट करेंगे। वो बीटा क्या है मैं वो भी बाद में समझाता हूं, पहले डॉल निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3.10, M5 3.10। आर यू रेडी गाइस? आखिरी के 5 मिनट आज के लेक्चर में खत्म होना चाहिए, कम ऑन जल्दी से। कौन बोला होमवर्क चाहिए रे? किसको होमवर्क चाहिए रे? कोई होमवर्क नहीं, कम ऑन जल्दी से सॉल्व करना है अभी के अभी, क्योंकि इसमें बीटा आया, ये कुछ अलग चीज है। बीटा का मींस मतलब रिस्क होता है, बस 2 मिनट रुकेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बीटा का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर रहे हैं, कितने कॉलम से आपको बताऊं? सर हमें कॉलम्स कितने ड्रॉ करना है? कॉलम आपको 5 ड्रॉ करना है। कॉलम के नाम देख लीजिए प्लीज, कम ऑन हरी अप। फर्म का नाम लेना है, चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन ईबीआईटी, देन डॉल का फॉर्मूला एंड देन बीटा। 5 कॉलम लिखना है, और मेरे हिसाब से एक काम करो, मुझे बीटा का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मुझे 6 कॉलम बना दो। प्लीज ड्रॉ 6 कॉलम्स, प्लीज ड्रॉ 6 कॉलम्स, 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे आप। Have you drawn 6 columns guys? 6 कॉलम आपको निकालना है, 6 कॉलम, कम ऑन। हाँ क्वेश्चन शो करता हूं, 6 कॉलम पहले निकालो, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको पी क्यू आर आर एस टी टी यू वी ये सब कुछ आपको निकालना है, डब्ल्यू एक्स वाई से सब कुछ आपको निकालना है। Come on guys, come on, welcome back. ये सब कुछ लिख लिया होगा अपने पी क्यू और आर एस टी, ये सब कुछ लिख लिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपको क्या लिखना था, चेंजेस इन रेवेन्यू, यानी कि आपको पहला कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो एज इट इज कॉपी करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम कॉपी कॉपी कॉपी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम कॉपी 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 हो गया। फोर्थ कॉलम हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिफ्थ कॉलम भी कॉपी है, फिफ्थ कॉलम भी कॉपी है, यानी कि फोर्थ और सिक्स कॉलम मैं करवाऊंगा, आई मीन फोर्थ कॉलम आप भी कर सकते हो, सिक्स कॉलम तो पक्का मैं कराऊंगा। तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम कॉपी पेस्ट हो गया होगा। अब बता दो दोस्तों डॉल का फॉर्मूला क्या है, पहले का आंसर क्या, चेंजेस नीचे आएगा सेल, ऊपर आएगा ईबीआईटी। तो बताओ बच्चों ईबीआईटी यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 27 आंसर आएगा आपका 0.92। कम ऑन गाइस, इज इट 0.92, इज दैट 0.92, इज दैट 0.92, कम ऑन, पहले का आंसर 0.92 बिल्कुल सही है। फर्स्ट हो गया 0.92, सभी का 0.92, कम ऑन ये आना चाहिए। ओके दूसरी बात, कम ऑन गाइस, इसका आंसर बोलो, चलो आरएसटी का आंसर बोलो क्या आना चाहिए, ऊपर ऊपर आना चाहिए 32, नीचे आना चाहिए 25, 32 अपॉन 25 आंसर 1.28, आंसर 1.28, कम ऑन फॉर द सेकंड रो।
बिल्कुल बिल्कुल, चलो कम ऑन। और ये तो आप कॉपी पेस्ट कर लेना, उसके बाद में तीसरा, क्या मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, आप सही तो नहीं, सही कर रहे हो ना आप, मैं क्या कर रहा हूं, इतना इजी रहे, कुछ भी नहीं रहे इसमें, वही चल रहे, कॉपी पेस्ट क्या रहे क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा बीटा लगा दिया, मैं बीटा का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। चलो बोलो, 36 upon 23 आंसर 1.56, कम ऑन। उसके अंदर फोर्थ, 40 upon 21 1.90, एक बार सभी लोग अपना आंसर चेक करें। बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं हमारा आंसर सेम है, हमारा आंसर करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, और उम्मीद है कि आपने सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डन 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 डन। अब चलो दोस्तों, मैं आपको इंट बीटा क्या है, बीटा इज नथिंग बट, जैसे इंसानों का वेट जो है, वेट वो किलोग्राम में होता है, जिसे पेट्रोल को लीटर में नापते हैं, आपके वजन को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, और रिस्क को बीटा में नापते हैं। यानी किसी कंपनी को हम लोग जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम उसका बीटा चेक करते हैं, जितना बीटा उसका हाई होता है, यानी कंपनी का रिस्क उतना ज्यादा होता है। मोर बीटा इज कंसिडर्ड एज मोर रिस्क। आप मुझे बता दो, ऐसा क्यों लगता है कि लेवरेज ज्यादा मतलब बीटा ज्यादा? क्योंकि हमने पहले देखा था लेवरेज ज्यादा, ध्यान से सुना, सुना मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, लेवरेज ज्यादा मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, और आपका धंधा चले ना चले आपको फिक्स्ड कॉस्ट इतने तो पैसे देना ही पड़ेंगे। यानी कि जितना लेवरेज ज्यादा उतनी फिक्स्ड ज्यादा, और जितनी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा उतना आपका रिस्क ज्यादा, और इसलिए जितनी उल्टा बोलेंगे, जितनी रिस्क ज्यादा उतना फिक्स्ड कॉस्ट, वापस से पूरा बोलता हूं, जितना फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा उतनी रिस्क ज्यादा, बदले में उतना लेवरेज ज्यादा। तो बताओ बच्चों, ज्यादा लेवरेज इज इक्वल टू ज्यादा रिस्क, या कम ज्यादा लेवरेज इज इक्वल टू ज्यादा रिस्क, या कम रिस्क? अगर आपको ये, तो हमने डे वन से पढ़ रहे हैं कि जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा वहां पे लेवरेज दिखता है। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप दोनों का लेवरेज देखेंगे और उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जिसका लेवरेज कम है, क्योंकि लेवरेज कम होगा तो वहां का फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने देखा होगा यहां पर सबसे ज्यादा लेवरेज किधर है, सबसे ज्यादा लेवरेज यहां पर है 1.905। यानी कि आंसर में यही देखना है, क्या सच्ची मुची उसका बीटा भी सबसे ज्यादा है। अगर इन चारों का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा बीटा आपको WXY का दिख रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी उसका बीटा सबसे ज्यादा क्यों है? बिकॉज उसका लेवरेज सबसे ज्यादा है। एग्जामिनेशन में यही पूछे भाई, फोर्थ कॉलम का बीटा सबसे ज्यादा क्यों है? कहने का बोलना है कि सर, क्योंकि फोर्थ जो रो है जिसका नाम WXY है, उसका लेवरेज सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसका बीटा भी सबसे ज्यादा होगा। Because beta is also known for risk and leverage is also known for risk. तो जब लेवरेज ज्यादा होगा ज्यादा होगा, और जब लेवरेज सबसे कम होगा तो बीटा भी सबसे कम होगा। और अगर आपको ये देखना है ना, आपको अगर देखना है कि सच में रियल लाइफ में कोई कंपनी के बीटा होते क्या, तो मैं आपको दिखाता हूं। Hey guys, welcome back. मैं आपको एक कुछ कंपनी का एक काम करता हूं, रिलायंस का डायरेक्ट पूछ लेता हूं, रिलायंस का बीटा दिखाओ।
कमोन भाई खुल जा। तो एक ऐसे रियल लाइफ में अगर आप देखोगे ना, कोई भी कंपनी का हम लोग बीटा ढूंढ सकते हैं, कोई भी कंपनी का बीटा, देखो यहां पे मैं दिखता हूं रिलायंस का बीटा कितना, इट इज नॉट बीटा, इट इज बीटा। यहां पे देखेंगे आप क्या लिखा है, रिलायंस का बीटा है 1.01। और अगर मैं यही देखता हूं हर कंपनी का, अगर मैं टीसीएस का बीटा निकालता हूं, यहां पे है बीटा 0.062, यानी कि इसका बीटा जो है रिलायंस से कम है। लोगों को लगता है कि रिलायंस ज्यादा रिस्की है और टीसीएस कम रिस्की है, क्योंकि टीसीएस का बीटा रिलायंस से कम है। अगर आप और एक कंपनी देखना चाहते हो जिसका नाम मैं लेना चाहता हूं आपके सामने, अडानी, अडानी पावर कंपनी का बीटा कितना है। अगर मैं अडानी पावर का बीटा कहता हूं तो यहां पे इतना बीटा लिखा हुआ है, देखो ये इतना बीटा, अडानी लिवर्ड अनलिवर्ड बीटा लिखा है 0.49, 1.08, 1.34, वो साल वाइज दिया है, अलग अलग दिया है, ईयर वाइज दिया है। मैं आपको और एक कंपनी देखता हूं जिसका नाम है HUL बीटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बीटा बिल्कुल न के बराबर है। लोगों को लगता है कंपनी में बिल्कुल रिस्क नहीं है। अगर मैं आपको टीसीएस का, सॉरी आईटीसी कंपनी का बीटा दिखाता हूं तो आपको बीटा से समझ जाएगा इस कंपनी के शेयर्स लेना कितना रिस्की और कितना नहीं है। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जब पैसे लगाते हो ना, तो आप पे लेवरेज और बीटा चेक किया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का लेवरेज ज्यादा होता है उसका बीटा ज्यादा हो जाता है। आप देख सकते हो यहां पे क्या लिखा है बीटा, देखो ये बीटा कहां गया, बीटा था ना अभी, अरे किधर तो था ना बीटा, देखो ये बीटा लॉन्ग टर्म बीटा, यह है आईटीसी कंपनी 1.01.045। ये डिपेंड करता है कौन सा आप टेन्योर ले रहे हो, ठीक है ना, मंथली टू ईयर है, दो साल की रेंज का, पिछले दो साल का बीटा अगर निकालेंगे मंथली तो ये जो भी है क्या, हमें क्या मतलब है, इतना ही समझो बीटा होता है। बीटा इज देयर टू यू नो मेजर द रिस्क, द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अगर आप सिर्फ मुझे बीटा के बारे में पूछो, सर बीटा एक काम करो, तो याद रखिए बीटा का मीनिंग क्या, मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूं, आपको लिखना भी है बीटा का मीनिंग क्या है, मीनिंग इन फाइनेंस। बीटा इज अ मेजर ऑफ द वॉलेटिलिटी और सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो कंपेयर टू द मार्केट एज अ होल। बीटा इज यूज इन द कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, विच इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टमेटिक। आपको मालूम है मार्केट का बीटा हमेशा वन होता है, क्या बोला मैंने, यानी कि पूरे निफ्टी का, पूरे सेंसेक्स का बीटा वन होता है, सारे बास्केट का बीटा वन है। और अगर उस बास्केट से कम आपका बीटा है, यानी कि स्टैंडर्ड वन है और टीसीएस का 0.62 है, तो हम समझते कि पूरे मार्केट का जो बीटा वन है उसके कंपैरिजन में टीसीएस का बीटा कम, यानी कि टीसीएस का जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड से कम है। और मार्केट का अगर बीटा वन है और रिलायंस का 1.10 है, तो हम लोग कहते हैं मार्केट के बास्केट का जो बीटा है, रिस्क है, वन है और रिलायंस का 1.10 है, यानी कि रिलायंस बाकी कंपनी के मुताबिक ज्यादा रिस्की है। दिस इज द वे इट इज टू बी कैलकुलेटेड, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो कितना बीटा है, स्टैंडर्ड वन है, वन से ज्यादा अगर जा रहे हो तो आप ज्यादा रिस्की हो, वन से कम है तो आप कम रिस्की हो, इस तरह से उसको नापते हैं। प्लीज लिखेंगे आप लोग वहां पे, प्लीज लिखिएगा आखिरी कॉलम जो है, लिखो वहां पे जहां पे ये आखिरी वाला कॉलम था, लिखो हाईएस्ट रिस्क, सबसे आखिरी वाला जो रो है, आखिरी कॉलम का जो आखिरी रो है WXY, वहां पे लिखो हाईएस्ट रिस्क, और PQR पे लिखो लोवेस्ट रिस्क, PQR पे लिखो लोवेस्ट रिस्क। अब PQR का रिस्क, मार्केट का बीटा कितना होता है वन और PQR का भी वन है, तो यहां पे लोवेस्ट है, पर WXY का 1.40, यानी इन चारों के कंपैरिजन में यहां पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क है। उसके नीचे कंक्लूजन लिखो, नीचे आओ, मोर लेवरेज इज इक्वल टू मोर बीटा इज इक्वल टू मोर रिस्क, मोर लेवरेज इज इक्वल टू मोर बीटा इज इक्वल टू मोर रिस्क। मोर लेवरेज, जितना लेवरेज ज्यादा होगा कंपनी में, जितना उनका फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, उतना बीटा बढ़ते चलता है,
बीटा में और भी बहुत सारी चीजें आती है, ना कि सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट आते हैं। तो बीटा इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, पर बीटा नापने के लिए आपको लेवरेज भी लगता है, लेवरेज इज वन ऑफ द कंपोनेंट। तो मोर क्या हुआ, मोर लेवरेज इज इक्वल टू मोर बीटा इज इक्वल टू मोर रिस्क। ओके, इज दैट ओके गाइस? आपको सभी को समझ में है बीटा बीटा क्या बोला था? लिखो बीटा ऑफ सेंसेक्स ऑब्लिक निफ्टी इज कंसिडर्ड एज वन। बीटा ऑफ रिलायंस इज हायर देन वन, बीटा ऑफ रिलायंस कंपनी इज हायर देन वन, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज more riskier than Nifty. आपको पता निफ्टी 50 होता है, 50 कंपनी का मिला के एवरेज रिस्क 1 होता है और इनका रिस्क 1 से ज्यादा है। तो यानी कि निफ्टी बाय करना है और रिलायंस बाय करना है, दोनों में से किसको बाय करने से आपकी रिस्क ज्यादा होगी? रिलायंस को बाय करने से आपकी रिस्क ज्यादा होगी। निफ्टी बाय करना है और टीसीएस बाय करना है, तो किसको बाय करने से रिस्क कम होगी? टीसीएस को बाय करने से आपकी रिस्क कम हो जाएगी। ओके गाइस, एवरीवन कम ऑन, आर यू देयर? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, कम ऑन। आपका यह समय खत्म हो चुका है, आज का लेक्चर भी खत्म हो चुका है, रिविजन करने की वैसे बहुत जरूरत अब नहीं लगती है। हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गुड लक। संडे को छुट्टी होगी, हां जी, बाय बाय। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।